राधा स्वामी संतों की वाणी वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज तू क्यों रहा जगने
भटकने क्या मिले भाई, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। एक परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में इशारा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं भक्ति नहीं कर सकते, तो लोग जंगलों पहाड़ों में संन्यास ले लेते हैं, जंगलों पहाड़ों की तरफ मुंह कर लेते हैं। कुछ लोग हिमालय की गुफाओं में जाके कठिन तपस्या करते हैं। तो महात्मा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा न जंगल पहाड़ों में है, न गुफाओं में है, ना चिंतों में है। वो परमात्मा का जीता जागता मंदिर ये मानव शरीर है। अमर देव ने वाणी में लिखा है, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का अगर कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है। जैसे परमात्मा ने 9 महीने में बना कर भेजा है, ये कुदरती मंदिर है। बाहर हम लोगों ने बनाया है, कोई ईंट और पत्थर से, कोई कहते और तरह से, लेकिन कहते जो ये 6 फीट का मंदिर चलता फिरता हर मंदिर परमात्मा ने बनाया है, ये बोलता है, एक दूसरे का सुख दुख में मदद करता है। तो कहते हैं वो परमात्मा इसी के अंदर है, जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। और हम लोगों ने जो बनाया है वो हम लोगों ने ऐसा माना है, संकल्प से हम कहते हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है। अब प्राण प्रतिष्ठा कौन करते हैं? पंडित लोग। अब पंडित लोगों के पास इतनी शक्ति होती, बहुत सारे छोटी उम्र में बच्चे मर जाए, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो माँ बाप कितने खुश हो जाए, कितने का भला हो जाए। तो खाली पत्थर को ही प्राण प्रतिष्ठा करना ये तो हास्य पर है। तो कहते नहीं भाई, इतनी ताकत कहां है पंडितों के अंदर जिन्होंने कभी अभ्यास करके अंदर गई नहीं, जिन्होंने अपने आप को पहचाना नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? तो कहते भाई ये सब बच्चों का खेल है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अगर सच्चा कोई हर मंदिर है तो ये मानव शरीर, ये चलता फिरता हर मंदिर जिसे परमात्मा ने 9 महीने में सवार कर लिए, और इसके अंदर वो अपनी सारी बात साथ रख के आप खुद अंदर बैठा है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला, बाहर ना किसी को परमात्मा मिला ना किसी को मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई,
चारों तरफ बटकने से आपको ज्ञान मिलेगा, सब जगह पत्थर और पानी। वो मालिक नहीं, वो मालिक तो आपके अंदर बैठा है, जो आपके साथ साथ रहता है, जिसका एकदम से नजदीकी रिश्ता है आपका, उसको आप भूल गए और बाहर जाके परमात्मा को ढूंढते हैं तो परमात्मा कैसे मिलेगा जी। कटक तू दारे कि भाई परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। खटक दो धार अब मन में और खोज सत्संग में जाए, अपने अंदर मालिक से मिलने का प्रेम पैदा करो, विरह पैदा करो कि इस जन्म में हमें परमात्मा से मिलना, ये जन्म हमें परमात्मा ने अपने से मिलने के लिए दिया है, इस भवसागर से पार होने के लिए दिया है। और ये प्रेम पैदा करके, ये प्रेम अंदर पैदा हो जाए तो सत्संग में जाकर, क्योंकि सत्संग वो रास्ता है परमात्मा से मिलाने का। क्योंकि सत्संग में महात्मा सब खुलासा करके बयान करते हैं कि परमात्मा से मिलने का कौन सा रास्ता है। तो कहते जब हम इस तरह का प्रेम और प्यार लेके सत्संग में जाते हैं तो संतों के वाक हमारे दिल में चुभते हैं, घर करते हैं और हम उसके ऊपर अमल करते हैं, चलने लगते हैं। और हमें कहते हैं कि खो मालिक के पास जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन जब तक कि सत्संग नहीं मिलेगा, संतों का समागम नहीं मिलेगा, हमारे अंदर तड़प और विरह मालिक से मिलने की नहीं आएगी तो हम परमात्मा से कैसे मिल सकते। तड़प बहुत जरूरी है, जैसे हम दुनिया के लिए तड़पते हैं रात दिन उसी के याद से लगे हुए, ऐसे उस मालिक के लिए। देखो प्रेमियों ने उस प्रभु परमात्मा के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, घर मकान छोड़ दिया, अपने मन से निकाल दिया, खेती गृहस्थी छोड़ दिया और रात दिन उस प्रभु परमात्मा के लिए रोते रहे कि हे मालिक तू कब मिलेगा। ये तरफ है विरह। तो जब ऐसे विरह आत्मा को परमात्मा के लिए होती है तो वो मालिक को मालूम है कि कौन सी आत्मा हमारी आंख में तड़प रही है, वो जरूर दरवाजे खोल देता है और दर्शन देता है। तो तड़प के बगैर, इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाएगा। जब दिन गुरु से प्रेम प्रकट होना, क्योंकि हमने प्रेम प्यार को दुनिया को दे दुनिया को बांध दिया, अब हमारे अंदर गुरु को देने के लिए कुछ नहीं। हम तो कहते हैं कि जब तक कि गुरु के चरणों से हम सच्चा प्रेम नहीं करते और गुरु से अंदर मिलने का तरह पैदा नहीं होता, इसी को लगन करते हैं, तब तक हमें कार्य सिद्धि नहीं होती। और कहते हैं लगन लगे बिना कार्य न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। जब तक ऐसा लगन
ऐसा प्रेम सद्गुरु के चरणों में आपको पैदा नहीं होगा, आप रात दिन सद्गुरु के लिए नहीं रोएंगे, तब तक वो गुरु आपके अंदर कैसे प्रकट होगा। हम रोते हैं दुनिया के लिए, रोते हैं दुनिया के सामान के लिए रोते हैं, लेकिन कभी हमने गुरु के लिए रोया? गुरु के लिए आपको बनाया अकेला बैठ के? तो कहते वो लगन वो तलब हमारे अंदर नहीं, जो तलब दुनिया के सामान के लिए। कोई धन दौलत पास आके चली जाए तो हम तड़पड़ाते हैं, रात दिन उसकी चिंता करते हैं। कोई साथी साथ आके साथ छोड़ के चला जाए तो हम उसके लिए तड़पड़ाते हैं, रात दिन रोते हैं। लेकिन कभी एकांत में बैठ के गुरु के लिए रोया? कभी मालिक से प्रार्थना किया कि हे मालिक मुझे अपने प्रीतम सद्गुरु से मिला दे जो आपके पास है? कहते कभी नहीं। तो कहते लगन लगे बिना काज न सरिए जीव प्रलय हो जाए। जब तक ऐसी लगन नहीं लगती तो काम भी नहीं बनता और हमारा जन्म वृथा चला जा रहा है। क्यों? ये दुनिया, दुनिया का सामान नाम स्वभाव है, ये काल और माया के धोखे। दिखते तो जरूर है लेकिन ये सच नहीं है। ये चार दिन का हमारा संबंध है, ये हमारे नहीं। हम आने के समय खाली हाथ आए थे और जाने के समय खाली हाथ न आने के समय कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। भाई जो लोग भी गए सर पीट पीट के गए, अरे मैं तो सब छोड़ चला। कैसे ही हालत होती है, यहाँ जो भी सामान आपको चार दिन के लिए मिलते हैं ये आपके नहीं है, ये काल और माया है। वो आपके प्रारंभ कर्मानुसार आपको चार दिन के लिए देते और जब आपका समय पूरा हो जाता है उनका सामान आपको यही छोड़ के जाना पड़ता है। कहते हैं कबीरदास जी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, हम आप क्या है? हमारे तो 5-10-20 हो गए परिवार में, लिखे रावण लाखों, एक लख बोलो सवाल करना थी रावण कर दिया न बाती। कबीर साहब कहते हैं 1,00,000 रावण के लड़के थे, 1,25,000 नातू, एक से एक कबीर थे। अब बताओ इतने के बाल बच्चे कितना होंगे? लाखों। कहते कितने? तो ऐसे है रावण, वो भी गया, आज वही सुलोभन का कोई दीवा जलाने वाला है, कोई जड़ से है। तो कहते भाई ये दुनिया की नीति है, जो बना उसे बिगड़ना है, जो पैदा हुआ उसे मरना। कहते झूठ क्या है सच क्या है? महात्मा कहते जीना झूठ है लेकिन मरना सच है। हम इसको याद नहीं रखते, मरना सच है जीना सच नहीं है, जीना झूठ और मरना सच है। हम भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं यह जग मीठा अगला से मीठा, दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ा अच्छा है। काल और माया ने कितने सुंदर सुंदर सामान बनाए, एक से एक सुंदर सुंदर स्थान है। बहुत लोग विदेशों में जाते हैं
तो कहते हैं स्विट्जरलैंड बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं लंदन बहुत अच्छा है। महात्मा कहते भाई वो तो आप और हम लोगों में बन रहे हैं, आप कभी अंदर गए, अंदर जाके देखो जो परमात्मा ने बनाया है वो कितना अच्छा हो रहा है। ये स्विट्जरलैंड मंडल से लाख मैं यहां पर ईट और पत्थर के मकान बने हुए हैं, वहां हीरे ज्वारा और माणिक के बंगले, वहां भी आत्माएं रहती हैं। तो बताओ हम उस देश में जाना नहीं चाहते, हमको यही सब अच्छा लगता है। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई सच्चाई को समझो, ये समय आपका चार दिन का है, परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है आपको इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। अगर इसमें बैठ के आपने वो काम नहीं किया यानी भक्ति नहीं किया तो आप कैसे मुक्त होंगे, और सब काम करके कोई फायदा जो दुनिया दुनिया के सामान का प्रेम किया आपको दुनिया में लेके आएगा, जन्म मरण में भटकाएगा, दुखी बनेगा। और उस मालिक का प्रेम प्यार, नाम का प्रेम प्यार, गुरु का प्रेम प्यार आपको इस दुख से छुटकारा दिलाएगा, अपने सच्चे घर लेके जाएगा, अपने पिता परमात्मा से मिलाएगा। लेकिन हम वो ख्याल नहीं करते, हमको तो ये दुनिया ही मीठी लगती है। हम रात देवी छोटे दुनिया के देह प्रेम में मस्त हैं, हमें संतों के वाक्य पे भी भरोसा नहीं आता। इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा करते हैं कि अगर आपको मालिक से मिलना है तो क्या करो, खटक तो धार अब मन में ओ सत्संग में जाए, अपने अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा करो और सत्संग में जाके ढूंढो तो आपको वो रास्ता मिलेगा। जी वीर की आग जब बड़े के दूर करे जगत की काई, लगा लो लगन सते गुरु से चे मिले पीरे शब्द लो लाई। फिर वही आप इशारा देते हैं कि जब आपको सत्संग सुनने से आपका प्रेम और प्यार दुगना हो जाता है, मालिक से मिलने की तरफ बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है, तब आप क्या करना, लगा लो लगन सद्गुरु से। तो आप दुनिया से अपना प्रेम और प्यार हटा दो और सदगुरु के चरणों से लगा लो, काम बन गया, काम बन गया। एक बार बुल्ले शाह अच्छे महात्मा थे, बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, उनको पता चला कि पढ़ने पढ़ाने से और सदैव के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, आप महात्मा के पास जाओ। इनायत शाह बड़े अच्छे महात्मा है, उनके पास जाओ, वो आपको मालिक से मिलने का रास्ता बताएंगे। बुल्ले शाह ने विश्वास किया, बड़े धनी परिवार पैदा हुए थे, मौलवी थे, पढ़ने पढ़ाने का अहंकार था, नमाज पढ़ाते थे
का बात सुन के किनाय साई उपाध्य ये बड़ी जात के थे, बुल्ले शाह किनाय शाह छोटी जात का था, वो खेती करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन एक अच्छे महात्मा थे, परमात्मा से मिले थे। तो एक जगह प्याज का पौधा लगाया था किनाय, और वो पौधा निकलवा रहे थे, आप से निकाल रहे थे, क्योंकि पैसे एक महीने के बाद प्याज का पौधा निकाल के दूसरी जगह लगाना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। किसान लोगों का बात है, तो वो ये निकाल रहे थे, ये बुल्ले शाह वहीं गए उस पे पूछते और हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले बोलो, परमात्मा कैसे मिलेगा? तो इनाय साहब कहते अरे क्या परमात्मा परमात्मा करता है, एक प्याज उखाड़ के बताते हैं, इधर से उखाड़ दे इधर लगा दे परमात्मा मिल जाएगा। कहते महाराज मैं ज्ञानी हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, कहीं मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, आपको प्याज का पौधा हो गया इधर निकाल दो इधर लगा के मिल जाए। मैं कितना परेशान हूं। तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं, इधर से निकालो इधर लगा दो मिल जाए। बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया वो क्या है। कहते अरे मन को जो माया से जुड़ा है, दुनिया के रंग में रंगा है, वो मन को दुनिया से निकाल दे और नाम से या सदगुरु की चरण से जो मिल जाएगा तुरंत, वो मालिक कहीं दूर नहीं, मालिक मिल जाएगा। दुनिया से मन को उखाड़ना, सदगुरु की चरणों से जोड़ना, बस मालिक मिल जाएगा, क्योंकि मालिक को मिलाने वाला सदगुरु है, उसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। आपको अपने गुरु को अंदर प्रकट करना है, जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं होगा आपका काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए गुरु को प्रकट करने के लिए प्रेम की जरूरत है, और प्रेम एक ही है, या तो दुनिया से बांधो और या तो सदगुरु की चरणों से बांधो। प्रेम दो तरफा नहीं होता है, प्रेम एक ही होता है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि प्रेम को दुनिया से उखाड़ दो, क्यों? दुनिया छूटी है, नाशवान है, और सदगुरु की चरणों से लगा दो और बाल बच्चे में रहो, सब काम करो गुरु गुरु करते हुए करो, खाना खाते समय नाम सुमरन, रास्ता चलते समय नाम सुमरन, क्या सब गुरु का है। मेरा खेती गृहस्थी, मेरा धन दौलत, मेरी जो कुछ भी मालिक ने दिया कि ये सदगुरु सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब गुरु को अर्पित कर दो, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा दो। बहुत बाल बच्चे ने कैसे नौकर बन के, एक नौकर आपके दुकान में रहता है, सब काम करता है, अच्छी तरह से करता है, लेकिन उसके दिल में होता है कि मैं नौकर हूं, मालिक नहीं हूं। अगर मालिक को 10 लाख का फायदा हो गया तो नौकर को कोई खुशी नहीं, उसको तो पेमेंट से पेमेंट ही मिलना। और मालिक को 10 लाख का नुकसान हो गया तो नौकर को कोई दुखी भी नहीं, क्यों? उसको तो पेमेंट मिलना ही मिलना है। तो ऐसा हो जाता है, फिर जब हम दुनिया से अपने प्रेम को निकाल के सदगुरु से जोड़ देते हैं तो सुख और दुख ये दोनों बराबर हो जाते हैं। बढ़ गया गुरु का बढ़ गया,
घट गया गुरु का गया हमारा तो नहीं है ना, लेकिन जब हम अपना मानते हैं तो उसका प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा ही पड़े। आप दुखी होंगे